इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। बड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पेडरुआ में हैजा रोग ने दी दस्तक। 3 दिन से बारी बारी फैला हैजा रोग। लगातार जिला अस्पताल के लिए किया जा रहा है रेफर। 100 से 110 संक्रमित होने के स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बताया गया है कि 8 से लगातार आज तक 110 जो कि रेफर किया गया जिला अस्पताल, जिसकी ज्यादा हालत खराब है उसे भाग्योदय रेफर किया गया। आज की माने तो 8 लोगों को रेफर किया गया। प्रीति यादव, लखन चढ़ार, उनकी पूरी फैमिली जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जो कि एम्बुलेंस को बुलाया, जिला अस्पताल के लिए तुरंत रेफर किया। 1 दिन पहले इतने मरीज रेफर किए गए। नवल किशोर रावत, उनकी पत्नी सुधामा रावत, प्रताप यादव, मुस्कान पलोरिया, चंदू यादव, सील रानी साहू लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। लगातार सावधानियां बता रहे हैं डॉक्टर आरएस चौधरी, राहुल जैन, किरण धुर्वे, सोनाली विश्वकर्मा आशाकर्ता, भारती जैन, विमलेश पटेल, मेवा लोधी। ग्रामीणों की ओर से भी बताया जा रहा है कि समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे तो, लेकिन समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे तो, लेकिन कोई परामर्श या मेडिसिन कोई सुविधा लेकर नहीं पहुंचा और रात में और अचानक से ऐसी स्थिति निर्मित होती जा रही थी कि ग्रामीणों ने खुद सहयोग कर प्राइवेट वाहन से हॉस्पिटल के लिए रेफर कराया। लोकेंद्र रावत की रिपोर्ट। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जैन। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपकी हैजा की शिकायत है गांव में, कौन सा गांव है ये? पड़रुगा। पड़रुगा, तो कोई डॉक्टर वगैरह टीम वगैरह पहुंची कि नहीं पहुंची? आई, गाड़ी भी आई थी, बस भी आई थी। अच्छा, आई थी, तो कुछ परामर्श दिया उन्होंने? हाँ, गर्म पानी पीने की बोल गया, दवाई भी दे गए और 8 दिन आने की बोल गया। और क्या सावधानियाँ दी? बस अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के रखो। अच्छा, तो आपने उसका पालन किया नहीं किया? गर्म पानी पी रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। चलिए, आपके घर पे पहुंची थी टीम? नहीं, हम गए थे वहीं पे जहाँ पर कैंप लगा था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ना बाटल की व्यवस्था, ना डॉक्टर की, और शाम के चली गई तो रात में और केस हुए। लगभग 50 मरीज रात में अपने अपने वाहन से और 108 एम्बुलेंस से सागर गए, और सुबह 8-9 बजे मैंने 2 एम्बुलेंसों से 5 मरीजों को फिर पहुँचाया, और 10:30 पे फिर टीम आई तो वो बोली कि हाँ, हमारे पास पूरी व्यवस्था है और अभी भी घरों में मरीज हैं। इस तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।